एक कड़ियों को हम जोड़ते चले और आगे तक इसमें अब तक कुल 26 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें जो पहले जो कड़ी जो प्राप्त हुई थी, इसमें जो हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर और वहाँ के जो कर्मचारी है आरएमएस कंपनी में काम करने वाले, उनके माध्यम से पता चला था कि पेपर को लीक किया गया था, टेलीग्राम के माध्यम से इसको यहाँ पर पहुँचाया गया था। उस संबंध में जो गिरफ्तारी हुई उसकी पूछताछ पर गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी काफी सारे प्रश्न पत्र जो पहुंचे थे अभियुक्तों को, उनकी गिरफ्तारियां हुई और साथ ही साथ छात्रों के इसमें बयान किए गए। इसी के साथ साथ इसमें एक संगठित गिरोह का भी नाम पता चला जो धामपुर से ऑपरेट कर रहा था। उस गैंग के भी सदस्यों को एकत्र करके कड़ियों को जोड़ा गया और उनकी गिरफ्तारियां की गई। उसमें एक केंद्रपाल नाम के व्यक्ति का नाम पता चला जो धामपुर का निवासी है और साथ ही साथ पूर्व में भी उत्तर प्रदेश और यहाँ पर परीक्षाओं में उसकी प्राथमिक रूप से संलिप्तता पता चली। उसी के आधार पर पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया, जिसमें पता चला कि ललित राज जो एक इंजीनियर है उसी का फ्लैट को इस्तेमाल किया गया था। इन्हीं सब साक्ष्यों के आधार पर और छात्रों के जो बयान लिए गए उसके बाद फिर जो है इसमें महत्वपूर्ण कड़ी में आया कि इसका जो आरएमएस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था यूपीएससी से, उसके मालिक की प्रथम दृष्टया संलिप्तता है, क्योंकि तीन स्तर की इसमें पूछताछ हो चुकी थी और उन सभी वेरिफिकेशन करने के बाद उसको कम देर रात्री इसको गिरफ्तार किया। किस तरीके की संलिप्तता है सर, इसमें राजेश की पूरी भूमिका क्या है, क्योंकि राजेश आपके यहाँ पे बड़ा। देखिए राजेश चूंकि उस कंपनी का ओनर है, लेकिन ये कहना कि सभी परीक्षाओं में उसकी संलिप्तता रही अभी इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है, लेकिन इस परीक्षा लीक के मैटर में उसकी डायरेक्ट संलिप्तता रही चूंकि वह केंद्रपाल से जुड़ा हुआ था। करीब 2 करोड़ में इसकी डील हुई थी, उस डील के माध्यम से जो पैसे जहां जहां गए हैं कुछ उसके रिश्तेदार के यहाँ दिए गए और कुछ परिचितों के यहाँ दिए गए, कुछ कैश में दिए गए, वो सभी की ट्रेल हमने इन्वेस्टिगेशन में मिल गई है। उनको बयानों के लिए हमने बुला भी लिया है, तो इससे स्पष्ट हुआ है कि इस परीक्षा में डील करके पेपर आउट करा गया था। एक माध्यम जो ये कड़ी थी लास्ट तक की वो ये थी, दूसरी कड़ी थी कि जो वहां के कर्मचारी था अभिषेक वर्मा, जिसके द्वारा इस बार 3 सेट परीक्षा पत्र के निकाले गए थे जो टेलीग्राम से यहाँ पर उसका जो दूसरा कर्मचारी आरएमएस का जयजीत दास उसको भेजे गए थे, उस कड़ियों को जोड़ते हम आगे बढ़े। सर ये जो राज्य 26 गिरफ्तारियों में क्या अधिकार है, सचिव और अध्यक्ष की जो भूमिका है वो कड़ी कहीं जुड़ी है या वो लोग अभी। देखिए दो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो योजना का अभी तो हम एक एक कड़ियों को जोड़ते हुए आगे चल रहे हैं, किसी को ना अभी तक क्लीन चिट दी गई है ना किसी को इसमें ये कहा जा सकता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट पूरी है, क्योंकि किसी स्तर पर लापरवाही भी इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि लापरवाही हर स्टेज पर हुई है। उसमें क्रिमिनल ऑफेंस है कि नहीं है, चूंकि अभी विवेचना चल रही है तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि वो क्रिमिनल ऑफेंस में कोई इन्वॉल्व है कि या उसकी लापरवाही है। सर कंपनी के जो मालिक है राजेश, उसकी इसमें किस तरह की भूमिका थी, इसकी गिरफ्तारी कहां से की? मैंने आपको स्पष्ट किया कि उसको पूर्व में 2 बार और बुलाया गया था, चूंकि शक की सुई जा रही थी तो लगातार हम पूछताछ करके जानकारी कर रहे थे, लेकिन जब ये केंद्रपाल की गिरफ्तारी हुई और उससे हमें जो पैसे के जो लिंकेजेस मिले जो करीब 2 करोड़ के करीब जो कुछ कैश के ट्रांजेक्शन दिए गए और कुछ लोगों के माध्यम से रिश्तेदारों के माध्यम से पहुंचे और कुछ उसके जाने वाले दोस्तों के यहाँ पहुंचे, वो सभी कड़ियों को जो हमने जोड़ लिया तब पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार किया। सर राजेश जो है अपने आप में प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, तो क्या इससे और भी पेपर जो पहले भी प्रोडक्शन करते हो और क्या उनसे भी उसका कड़ी जुड़ती है? देखिए संभावनाएं सभी तरह की हो सकती है, लेकिन जो परीक्षा का जो वहां पर अगर प्रिंटिंग हर पेपर प्रिंटिंग प्रेस में वहां पर प्रिंट नहीं होता, जैसे मैं सचिवालय रक्षक की बात करूं उसकी प्रिंटिंग वहां पर नहीं हुई और यहीं पर उसकी प्रिंटिंग हुई थी आयोग के कार्यालय में, तो जो परीक्षार्थी जब ज्यादा होते हैं तभी वो आउटसोर्स करके बाहर प्रिंट किया जाता है। इस वाले केस में जो सचिवालय रक्षक का जो मामला है जिसमें प्रदीप पाल को गिरफ्तार किया गया, जो वहां पर आरएमएस कंपनी का कर्मचारी था, लंबे समय से आयोग के कार्यों को देख रहा था, उसके माध्यम से हमें वो पूरे साक्ष्य भी मिल गए कि किस प्रकार से वहां पर लैपटॉप से जो है पेन ड्राइव के माध्यम से निकाला गया, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था। उससे भी पूछताछ में हमें जो चेन है जयजीत वाली उसका भी पता चला और प्रथम दृष्टया इसमें मालिक की संलिप्तता भी आ रही, चूंकि विवेचना दूसरे विवेचक के पास है तो वो भी आज शाम तक वो विवेचनाओं में उस चीजों के साक्ष्य आने के बाद हो सकता है कि उसमें भी माननीय न्यायालय में रिमांड लिया जाए। अजय जी जो ये कंपनी है उसके ये कहा जा रहा है कि विधानसभा में जो बढ़ती हुई उसकी भी इसी ने परीक्षा कंडक्ट कराई थी, क्या इस तरीके के कुछ? देखिए अभी तक इस तरह के कोई साक्ष्य हमारी योजना में नहीं आया कि इसके द्वारा कोई विधानसभा में कराया गया हो, चूंकि इनके जो डायरेक्टर्स और भी जो काम करने वाले लोग हैं उनको तलब किया गया, उनसे समस्त दस्तावेज लिए जा रहे हैं, उस दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही इसमें कुछ कहा जाना उचित होगा। सर और गिरफ्तारी कितनी संभव हो सकती है अभी तो, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अंतिम कड़ी तक भी पहुंचना बाकी है। देखिए इसमें जो शुरुआती कड़ी मैंने कहा 2 लाइन चल रही थी, एक कर्मचारी के माध्यम से जो इस साल हुआ अभी बीपीडीओ का पेपर लीक, साथ ही साथ जो परीक्षा ये जो सचिवालय वाला हुआ उसकी भी कड़ी हमने जोड़ दी इन्हीं से,
और एक जो ओनरशिप से लेकर और जो धामपुर से सेंटर जुड़ा हुआ था जिसमें हमारे यहाँ के 10-12 गिरफ्तारियां इस चेन से हुई है, तो वो कड़ियों को जोड़ दिया गया क्योंकि मालिक के बाद और कंपनी के बाद उसके ऊपर कोई नहीं होता है, तो नेचुरल सी बात है सोर्स तो यही था। लेकिन अभी भी हमारी पूरी संभावना है, जैसे हमारे प्राथमिक साक्ष्य आ रहे हैं कि इसमें अभी भी महत्वपूर्ण 2-3 लोग ऐसे रह गए हैं जो इन परीक्षाओं में कहीं ना कहीं सिर लगाकर ऐसी ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। आयोग से भी पूछताछ के लिए आपने बुलाया था, वहां के किस तरह की कार्रवाई चल रही है? देखिए वो पैरेलल पूछताछ की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सारे दस्तावेज चल रहे हैं, कलेक्शन साक्ष्यों का चल रहा है और वर्तमान में अभी नई नियुक्तियां हुई हैं, तो नई नियुक्तियों के आने के बाद ज्वाइनिंग करने के बाद उनसे भी समस्त प्रक्रिया को और विस्तार से समझा जाएगा, और पूर्व के जो अधिकारी कर्मचारी थे उनको भी एक बार पूछताछ करके सारी चीजों को व्यवस्था में लाया जाए। सर यूपीसीएल की जो ई मेल का रिकॉर्ड लेने की बात है वो पंद्रह मिनट से सीधे देखिए, इसमें जब हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें कहीं चुका ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी एज अ चुका एसटीएफ एक इन्फोर्समेंट यूनिट है और एक परीक्षा से रिलेटेड मामले की जांच कर रही है, तो कभी कभी हमें किसी जानकारी के लिए कभी कभी हम संपर्क करते हैं उन विभागों में कुछ जानकारी के लिए, तो बस एक नॉर्मल संपर्क किया गया था कार्यालय में कुछ जानकारी के लिए। सर आयोग में पेपर जो प्रिंट हुआ था क्या उसकी वहाँ वीडियोग्राफी नहीं हुई थी? ये जो यहाँ पर आयोग के अंदर सवर सगे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसी कारण से हमें जो पेनड्राइव से जो ये सॉफ्ट कॉपी में निकाला गया था प्रदीप पाल द्वारा जो सचिवालय रक्षा का पेपर, तभी हमें साक्ष्य इसमें पुष्ट हो पाए। आयोग की भूमिका हो सकती है इसमें? देखिए मैंने कहा कि इस स्टेज पर ये कहना मुश्किल है कि किसकी आयोग में भूमिका है कि नहीं है या नेग्लिजेंस है, और ये मुझे मैं स्पष्ट करना चाहूंगी आने वाले 10-15 दिन के अंदर इस समस्त मैटर में अगर कोई कहीं से भी इन्वॉल्व है तो वो जरूर सामने आए। ये चीज सामने निकल के आई है सीसीटीवी फुटेज में कि वो पेन ड्राइव से ले रहे हैं सारी चीजें, सीसीटीवी फुटेज बेशक तो पार्ट है लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कैमरे लगे हुए थे और उससे हमें काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल चुके हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से लेटर प्राप्त हो गया, समस्त जो हमारी FIR है और जो भी कार्रवाई है जो हमारे इनकी संपत्तियों की जो जानकारी हमें मिली है प्राथमिक रूप से, उन सभी जानकारियों को साझा करने के लिए पत्र प्राप्त हो गया। सर सर आखिरी अभी तक 25 की गिरफ्तारी हुई है, कब तक यानी जांच कंप्लीट होने की दिशा में बढ़ सकती है? जो संभावना मैं देखता हूँ जिस स्पीड से हमारी टीम काम कर रही है, तो जो मेन कड़ियों को हमने जोड़ लिया है और कुछ कड़ियां इसमें रह गई हैं जो महत्वपूर्ण हमारे लिए है, तो मैं मानता हूँ आने वाले 7-10 दिन में एटलीस्ट जो मेन इसके मास्टरमाइंड सरगना या जिनके द्वारा प्रश्न पत्र प्राप्त करके छात्रों को विभिन्न चैनल दिया गया तो सभी अरेस्ट हो जाएंगे। हाँ लेकिन विवेचना में अभी समाप्त करने में टाइम लगेगा क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे छात्र हैं जिनके बयान लिए जाने हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो उनके साधनों से पास हुए उनको भी हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में अकाउंट फॉर कर। सर ये जो रक्षक भर्ती वाला जो पेपर लीक हुआ क्या ये आयोग के अंदर से ही हुआ? ये आयोग के अंदर से ही पेपर, मैंने जैसा बताया कि प्रदीप पाल एक एम्प्लॉय था जो RMS कंपनी का बहुत सालों से यहाँ काम कर रहा था और मौका पाकर उसने अपने जो है वहां से पेपर को सॉफ्ट कॉपी में उसको लिख कराया। नहीं ये तो आयोग को बता रहे ना, आयोग को कर्मचारी आउटसोर्स कंपनी का, तो आयोग के अंदर से ही वहां से आउटसोर्स कंपनी द्वारा निकाला गया। तो अजय जी इसमें जो एस राजू है जो बड़ोनी जी हैं उनसे जांच क्यों नहीं हो रही है? अगर अंदर से ही निकला है तो फिर वो जांच उन पे कुछ निकल के क्यों नहीं आ रहा? करूंगा यहाँ किसी मतलब मैं व्यक्ति विशेष की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, एक सिस्टम में क्या फ्लॉज थे और क्या सिस्टम के कारण किसी की मिली भगत थी और साथ ही साथ पेपर लीक करने में कौन लोग मास्टर माइंड थे और किसके द्वारा इसको आगे किया गया, क्योंकि अभी विवेचना में मात्र देखा जाए तो 35 दिन हुए हैं, तो 35-40 दिनों के अंदर सभी व्यक्तियों को एक साथ साक्ष लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि विवेचना चल रही है तो इसलिए कहना कि इनसे किसी से कोई सवाल किया गया नहीं किया गया, क्योंकि काफी दौर की बातचीत हमारी पूर्व में हो चुकी है। सर ये अभ्यर्थियों की क्या लिस्ट कभी सार्वजनिक हो पाएगी? देखिए जो भी इसमें अभ्यर्थी इसमें पाए गए सर ले जो अभी तक हमारे रिकॉर्ड में आ चुके हैं, बयानों में आ चुके हैं, साक्ष्यों में आ चुके हैं और कुछ लोग हमने चिन्हित कर रखे हैं जिनको अभी साक्ष्यों पर हमें लाना है, वो समस्त रिपोर्ट छात्रों की जो भी विधि सम्मत कार्रवाई के बाद जब चार्जशीट दी जाएगी तो आयोग से भी वो भेजी जाएगी जिससे वो अग्रिम उसमें कार्रवाई कर पाए। सर यहाँ तो नहीं है, वो बाहर जब निकलेगा तो आप उसका सर यही करा दीजिए सर, सारा सिस्टम लगा लोग को देख कर
मिश्रा जी जरा पकड़िए हारा रहा सर इसमें एक छोटी सी क्लियर करा दीजिए, रुद्रेश एक सवाल है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये जो राजेश है क्या इसने कहा कि फिर पैसे तो गए उसके बाद जो है, तो इसने कहा जैसे कि तुम निकालो इसी के कहने पे? ये सवाले वाले पूछ रहा है राजेश चौहान का संपर्क, उसके रिलेटिव रहते हैं वहाँ पर धामपुर में, उसके माध्यम से उनका पूर्व से परिचय था, और चूंकि काफी समय से बात पेपर की चल रही थी, अन्य माध्यमों से चल रहा था, उसमें संपर्क होने के बाद, बातचीत होने के बाद, रिश्तेदार के माध्यम से और एक उनके मित्र है जिनका नाम कभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा, उनके माध्यम से जब ये चीजें तय हुई तभी ये पेपर इस बात पहुंचा था। अच्छा भाई मीटिंग तो हटा लो, जब वो आ जाएगा आईडी दिला लो, मैं पकड़ो खड़े रहने दो। और ये अनऑफिशियली बता देता हूँ कि अभी इस 24 घंटे के अंदर बहुत सारी गिरफ्तारी भी संभव है तो एक बड़ी बात अभी जाते जाते सर ने कही है कि अभी 24 घंटे के अंदर में बहुत सारी अन्य गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एक बड़ी खबर है अभी एसटीएफ के कार्यालय में ही हम थोड़ी देर में हम राजेश को दर्शन करने वाले हैं। वो राजेश दरअसल दिखता कैसा है जिसने इतनी सारी चीजें की है, एक सेकंड दीजिएगा आप सब लोग। इसका कहाँ वो देखो और आप तमाम लोग बने रहिएगा।